तो चलिए अब डिस्कस करते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस मॉडल 2, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैलकुलेट किए जाते हैं जब सिमिलर ऑब्जेक्ट्स दिए जाएं। मॉडल 1 में हमने देखा था कि सभी एग्जांपल्स में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे, राइट, कुछ रिपीटेशंस नहीं थे, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि 5 persons पर बेस्ड था, राइट, सभी persons अलग अलग थे। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने लेटर्स अरेंज किए, थर्ड एग्जाम्पल में हमने डिजिट्स को अरेंज किया एंड कोई रिपीटेशन नहीं था, राइट, कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिमिलर नहीं थे। लेकिन अगर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो तब हम कैसे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड आउट करते हैं, यही हम देखेंगे मॉडल 2 में। तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉइंट क्या है यहां पर दिया गया। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, राइट, वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर ऑफ वन टाइप, क्यू ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर ऑफ सेकेंड टाइप एंड आर ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर ऑफ थर्ड टाइप विल बी इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो अभी तक हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम यानी आर इज इक्वल टू एन एंड जब आर और एन इक्वल हो एन पी आर कितना होगा, एन फैक्टोरियल। सो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम विल बी इक्वल टू एन फैक्टोरियल। लेकिन इस बार रिपीटेशन है, पी ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर ऑफ वन टाइप, दिए गए एन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पी ऑब्जेक्ट्स सिमिलर है, एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। क्यू ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर ऑफ सेकेंड टाइप, ये एक सेकेंड कैटेगरी वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, एक जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं एंड आर ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर ऑफ थर्ड टाइप। तो जब ऐसे रिपीटेशंस हो या फिर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो तब हम कैसे करेंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, एन फैक्टोरियल तो रेगुलर केस है, डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल इनटू क्यू फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। पी क्यू एंड आर ये नंबर्स वो है जो डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, राइट। पी क्या है, नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट टाइप, क्यू इज नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकंड टाइप, आर इज नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स ऑफ थर्ड टाइप। सो बस इसी इक्वेशन को, इसी फॉर्मूले को आपको याद रखना, राइट, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है जरूरी कि हर बार तीन कैटेगरीज हो या तीन टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो, सिर्फ दो ही सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि पी ऑब्जेक्ट्स सिमिलर ऑफ वन टाइप एंड क्यू ऑब्जेक्ट सिमिलर ऑफ सेकंड टाइप, तब कैसे करेंगे, एन फैक्टोरियल बाई पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल। या फिर हो सकता है कि और भी ज्यादा टाइप्स हो, राइट, जैसे P of one type, Q of second type, R of third type, S, T, U and so on. तो कैसे करेंगे, सेम इसे एक्सपैंड करना है हमें, न्यूमरेटर में हमेशा n फैक्टोरियल रहेगा, बस डिनोमिनेटर में जितने भी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके फैक्टोरियल्स लेने हैं, राइट, उन काउंट्स के फैक्टोरियल्स लेने हैं। सो n फैक्टोरियल बाई P फैक्टोरियल इंटू Q फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल इंटू S फैक्टोरियल इंटू T फैक्टोरियल एंड सो ऑन, राइट। सो बस इस एक कॉन्सेप्ट को याद रखें ताकि आप सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स जब हमें दी जाए उनके परम्यूटेशंस बहुत इजीली फाइंड आउट कर सके। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के मॉडल 2 से कुछ एग्जांपल्स, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड आउट किए जाते हैं जब सिमिलर ऑब्जेक्ट्स दिए गए हो, राइट। देखते हैं एग्जांपल 1 क्या है। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड, और यहां पर हमें तीन अलग अलग वर्ड्स दिए गए, राइट, मिरर, बनाना एंड सक्सेसफुल। वैसे हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस मॉडल 1 में भी सॉल्व किए थे, राइट, एग्जांपल 2 जो था, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड बैंकर। लेकिन उस केस में अगर आप याद रखें बैंकर में सभी लेटर्स यूनिक थे, कोई भी रिपीटेशंस नहीं थे। लेकिन इस बार जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं मिरर, आप देख सकते हैं कि कुछ लेटर्स है जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे आर यहां पर 3 times आप देख सकते हैं। सिमिलरली बनाना में ए और एन रिपीट हो रहे हैं, राइट। सक्सेसफुल में भी आप देखेंगे कि अलग अलग लेटर्स यहां पर रिपीट हो रहे हैं, राइट। सो एक ही कैटेगरी के सिमिलर टाइप ऑफ लेटर्स हैं जो मल्टीपल टाइम्स दिए गए, तब हम कैसे नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म करेंगे। और जैसे हमने मॉडल 2 के इंट्रोडक्शन में देखा था आंसर क्या होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पी क्यू आर है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच आर सिमिलर ऑफ वन टाइप, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिमिलर ऑफ सेकंड टाइप, थर्ड टाइप एंड सो ऑन। तो उसी पॉइंट को यूज करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। तो अगर आप फर्स्ट वर्ड को देखें यहां पर मिरर, टोटल 6 letters हैं। अब 6 letters के वैसे तो 6 factorial वर्ड्स फॉर्म की जा सकते हैं, राइट, सो 6 factorial, लेकिन हमें यहां पर डिवाइड करना होगा एक पर्टिकुलर वैल्यू से, क्योंकि लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। अगर आप देखें एम यूनिक है, एम रिपीट नहीं हो रहा है, आई भी यूनिक है एंड ओ भी यूनिक है, लेकिन जो लेटर आर है ये 3 times रिपीट हो रहा है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज वन लेटर व्हिच इज 3 times सिमिलर है, आर तीनों आर सिमिलर है लेकिन 3 times अपियर हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, 6 factorial डिवाइड बाई 3 factorial। अब 6 factorial कितना होता है, 6 factorial है 720, 3 factorial, 3 factorial होगा 720 by 6, 120। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 120, राइट। सी
समझना ये जरूरी है कि क्यों हम थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं, राइट, क्यों हम आंसर सिक्स फैक्टोरियल नहीं दे सकते हैं, जैसे कि हमने मॉडल वन में किया था, सिक्स लेटर सिक्स फैक्टोरियल, लेकिन यहां पर हम डिवाइड कर रहे हैं. ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसे अगर आप इन्हें मान ले आर वन आर टू आर थ्री ले लेते हैं इन लेटर्स को, राइट, तीनों आर ही है लेकिन इन्हें आर वन आर टू आर थ्री से डिनोट कर देते हैं. अब अगर हम अलग अलग वर्ड्स फॉर्म करें, एक वर्ड तो जैसे दिया गया है मिरर हो गया, एम आर एम आई आर वन आर टू ओ आर थ्री, दूसरा वर्ड एम आई आर टू आर वन ओ आर थ्री हो सकता है, या फिर हम आर वन आर टू एम आई आर थ्री ओ ले सकते हैं, या फिर आर वन आर थ्री एम आई आर टू ओ एन सो वन, ऐसे कई वर्ड्स आएंगे, राइट. टोटल सिक्स फैक्टोरियल यानी 720 वर्ड्स हमें आएंगे, हमें सिर्फ लेटर्स की अलग अलग पोजिशन कंसिडर करनी है. लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप इन दोनों वर्ड्स को देखें, फर्स्ट टू वर्ड्स को देखें, हमने यहां पर क्या किया, आर वन एंड आर टू की पोजिशन को इंटरचेंज किया, राइट, आर वन आर टू आर टू आर वन आर थ्री एक ही सेम पोजिशन पर है, बाकी सभी लेटर्स भी सेम पोजिशन पर है. अब एक्चुअली अगर देखा जाए तो क्या ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं? नहीं, राइट, सेम वर्ड्स हैं, दोनों लेटर्स आर ही हैं, लेकिन फिर भी पोजिशन चेंज हुई है. तो यही होता है, अगर आप डायरेक्टली आंसर सिक्स फैक्टोरियल ले लें तो इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग काउंट किया जाएगा, लेकिन ये दोनों सेम वर्ड्स हैं, राइट, दोनों ही वर्ड्स में मिरर वर्ड फॉर्म हो रहा है, इसीलिए हमें इन्हें डिवाइड करना होगा, रिड्यूस करने होंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस. हम 6 फैक्टोरियल 720 आंसर नहीं ले सकते हैं. एंड सिमिलरली अगर देखा जाए, ये जो एक टिपिकल सा वर्ड हमने फॉर्म किया है आर आर एम आई आर को, राइट, चाहे मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस, यहां पर भी अगर आप देखें हमने आर वन एंड आर वन की पोजिशन सेम है, आर टू एंड आर थ्री को इंटरचेंज किया, राइट, ये है डबल आर एम आई आर ओ और ये वर्ड भी है डबल आर एम आई आर ओ, राइट, दोनों वर्ड सेम है लेकिन अगर देखा जाए तो आर टू एंड आर थ्री की पोजिशन इंटरचेंज की गई. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों वर्ड्स को अलग अलग काउंट करेंगे, क्योंकि सेम लेटर की पोजीशंस इंटरचेंज की जा रही है, वर्ड सेम ही रहेगा, और जब तक वर्ड सेम रहेगा हम उसे अलग अलग वर्ड्स में काउंट नहीं कर सकते, राइट. हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म, राइट, डिफरेंट वर्ड्स हमें फॉर्म करने हैं, ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स नहीं है, सिमिलरली ये दोनों भी डिफरेंट वर्ड्स नहीं है, इसीलिए हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशंस को रिड्यूस करना होता है. एक्चुअल आंसर सिक्स फैक्टोरियल हम नहीं ले सकते, तो हम डिवाइड करेंगे थ्री फैक्टोरियल से, जो भी रिपीट हो रहा है जितनी भी टाइम्स उसका फैक्टोरियल हमें डिनोमिनेटर में. तो यही रीजन है n factorial divided by p factorial into q factorial into r factorial को आंसर कंसिडर करने का. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 120. अब देखते हैं सेकेंड वर्ड बनाना, राइट, बनाना में अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 सिक्स लेटर्स हैं, सिक्स फैक्टोरियल, राइट, न्यूमरेटर में, लेकिन रिपीटेशन है. देखें अगर आप b यूनिक है, जो लेटर a है ये थ्री टाइम्स आ रहा है, राइट, 1 2 एंड 3, तो डिनोमिनेटर में थ्री फैक्टोरियल जाएगा, एंड लेटर n टू टाइम्स है तो टू फैक्टोरियल हो जाएगा. 6 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial. So, इसका आंसर क्या होगा? 6 factorial आप जानते हैं 720 divided by 3 factorial 6, 2 factorial 2. 720 divided by 12. 720 divided by 12 कितना होगा? 60. So, इसका आंसर आएगा 60. Right? Number of different words that can be formed using the letters of the word banana. तो 6 letters हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ 60 ही words form किए जा सकते हैं. क्योंकि letters unique नहीं है, right? Repetitions नहीं है. बस इसी point को आपको follow करना है. सेम थर्ड एग्जाम्पल यहां पर, थर्ड वर्ड सक्सेसफुल, राइट, लंबा वर्ड है इस बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब जैसे कि हम जानते हैं 10 लेटर वर्ड के लिए नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे 10 फैक्टोरियल, लेकिन रिपीटेशन है इस केस में भी, तो हमें उन रिपीटेशन को कंसिडर करना होगा डिनोमिनेटर में. तो सबसे पहले अगर आप एस को देखें, एस यहां पर थ्री टाइम्स दिया गया है, तो थ्री फैक्टोरियल आएगा डिनोमिनेटर में. फिर जो सेकेंड लेटर यू है, ये भी टू टाइम्स है इस दिए गए वर्ड में, सो टू फैक्टोरियल लेना होगा, सेकेंड टाइप का रिपीटेशन है. सी, लेटर सी है टू टाइम्स, तो इसका भी टू फैक्टोरियल हमें यहां पर कंसिडर करना. बाकी तीनों लेटर्स ई एफ एंड एल ये यूनिक है, तो आप वन फैक्टोरियल ले सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन. सो इसका आंसर होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. सो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल एंड सो ऑन, जहां पर पी क्यू एंड आर डिनोट करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ सिमिलर टाइप, राइट. तो क्योंकि यहां पर थ्री अलग अलग टाइप्स थे, एस थ्री टाइम्स दिया गया था, यू टू टाइम्स दिया गया था, एंड सी टू टाइम्स दिया गया था, हमने इसे कंसिडर किया. तो इसका आंसर होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि इसे सिंप्लीफाई करने से पहले एक बार ऑप्शन देखें, क्योंकि कई बार ऑप्शन में अनसिंप्लीफाइड आंसर दिया जाता है, यानी इसी फॉर्म में ऑप्शन हमें दिए जाएंगे, तो हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं. लेकिन अगर कंप्लीटली सिंप्लीफाई करके एक्चुअल वैल्यू दी जाए, एब्सोल्यूट नंबर दिया जाए, जैसे कि हमने 1 एंड 2 में किया है, राइट, 120, 60 एंड सो ऑन, तब हमें इसे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना होगा.
एंड फर्दर सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी है राइट. जैसे मैंने आपको बताया अप टू 10 फैक्टोरियल्स आपको याद रखने हैं, याद रखें बाई हार्ट. तो 10 फैक्टोरियल की वैल्यू आप जानते हैं, 3 × 2 आप जानते हैं, बस सब्स्टिट्यूट करके फाइनल कैलकुलेशन आपको करना होगा. तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब रिपीटेशन हो राइट, जब कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा हो या सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट हमें दिए गए हो. और सिर्फ वर्ड्स के केस में ही नहीं, ऐसा नंबर्स में भी हो सकता है राइट. मॉड्यूल 1 में हमने नंबर्स या डिजिट्स पर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे राइट, सिमिलर सॉल्यूशन था. लेकिन मान लिया अब रिपीटेशन हो, जैसे कि हमें 6 डिजिट दिए जाए, 3, 4, 6 एंड 4, 6, 3, और हमें फॉर्म करने हैं 6 डिजिट नंबर्स. 6 डिजिट दिए गए हैं, 6 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं, कितने नंबर्स होंगे, 6 फैक्टोरियल. जनरल केस में 6 फैक्टोरियल लेंगे अगर सारे डिजिट्स यूनिक हो, लेकिन यहां पर यूनिक डिजिट्स नहीं है. आप देख सकते हैं कि 3 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल आएगा डिनोमिनेटर में. 4 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो एक और 2 फैक्टोरियल आएगा. एंड 6 रिपीट होता है 2 टाइम्स, तो यहां पर हमें 2 फैक्टोरियल. तो चाहे जो भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो, बेसिक पॉइंट ये है कि अगर सिमिलर ऑब्जेक्ट दिए गए हो तो उनका काउंट का फैक्टोरियल हमें डिनोमिनेटर में कंसिडर करना होगा, चाहे वो लेटर्स हो या वर्ड्स हो या डिजिट्स हो या फिर और भी कोई टाइप का ऑब्जेक्ट राइट. तो ये है मॉडल 2 का एग्जाम्पल 1 राइट, जब परम्यूटेशंस फाइंड आउट करने हो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स दिए जाने पर. तो चलिए अब सॉल्व करते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के मॉडल 2 से एग्जाम्पल 2, जो होगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखते हैं क्वेश्चन क्या है. ए सेट ऑफ 12 बुक्स हैज 3 आइडेंटिकल क्वांट बुक्स, 3 आइडेंटिकल रीजनिंग बुक्स, 4 आइडेंटिकल इंग्लिश बुक्स and 2 different books on general awareness. In how many different ways can these 12 books be arranged in a bookshelf? So basically, देखने में question काफी लंबा है, लेकिन इसमें जो दिए गए points हैं वो बहुत ही simple, right? 12 books हैं total, जिनमें से 3 books quant की हैं, right? तीनों identical books हैं, तीनों same books हैं, quantitative aptitude. 3 identical reasoning books, so 3 same books reasoning के. 4 identical English books, so 4 same English के books हैं, right? एंड 2 डिफरेंट बुक्स ऑन जनरल अवेयरनेस, राइट. ध्यान रहे जनरल अवेयरनेस की 2 बुक्स हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, राइट. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दीज 12 बुक्स, यानी ये टोटल 12 बुक्स को हम कितने अलग अलग वेज में अरेंज कर सकते हैं बुकशेल्फ. अब सबसे पहला स्टेप होता है कि डिसाइड करें क्वेश्चन परम्यूटेशन पर है या कॉम्बिनेशन पर. और इस केस में डिसाइड करना बहुत ही ईजी है कि क्वेश्चन परम्यूटेशन का है, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं अरेंज वर्ड स्पेसिफाई किया गया, राइट. सो ऑब्वियसली अरेंजमेंट का केस है, यानी परम्यूटेशन हमें करने हैं. किसके परम्यूटेशंस, इन 12 बुक्स के. अब वैसे अगर 12 बुक्स हमें एक बुकशेल्फ में अरेंज करनी हो तो आंसर क्या होगा, 12 फैक्टोरियल, क्योंकि 12 पोजीशंस होंगे बुकशेल्फ में एंड इन 12 बुक्स को हमें वहां पर प्लेस करना है. सो एनपीआर होगा 12p12, जिसकी वैल्यू होगी 12 फैक्टोरियल. लेकिन यहां पर बुक्स आइडेंटिकल है, यानी सिमिलर बुक्स हैं अलग अलग कैटेगरीज की, तो हमें उस फैक्टोरियल को डिनोमिनेटर में कंसिडर करना होगा. सो 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 आइडेंटिकल क्वांट बुक्स. सो 3 क्वांट के बुक्स हैं, तीनों सेम हैं, इनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, राइट. सो 3 फैक्टोरियल हमें डिनोमिनेटर में लेना होगा. सिमिलरली 3 आइडेंटिकल रीजनिंग बुक्स, सो 3 बुक्स है रीजनिंग की, हम तीनों एक जैसी हैं, तीनों सिमिलर हैं, सो इन्हें भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए हमें 3 फैक्टोरियल लेना होगा. एंड 4 आइडेंटिकल इंग्लिश बुक्स, सो इसके कारण 4 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आएगा. एंड 2 बुक्स, 2 डिफरेंट बुक्स ऑन जनरल अवेयरनेस. ध्यान रहे 2 बुक्स हैं जनरल अवेयरनेस की, इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 फैक्टोरियल यहां पर लेंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट बुक्स हैं, राइट. दोनों अलग अलग बुक्स हैं, लेकिन जैसे कि जनरल अवेयरनेस वॉल्यूम 1, जनरल अवेयरनेस वॉल्यूम 2, अब इन दोनों को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट. तो इन्हें हमें डिनोमिनेटर में इसका 2 फैक्टर नहीं लेना होगा, हम डिनोमिनेटर में फैक्टर सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लेंगे जो आइडेंटिकल हो, जो सिमिलर हो, राइट. सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल. जैसे कि आप देख सकते हैं देखने में क्वेश्चन काफी लंबा है, लेकिन अगर आप सॉल्व करें इसे तो लेस देन 10 सेकेंड्स में आंसर फाइंड आउट कर सकेंगे, राइट. ऑफ कोर्स अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना हो तो शायद कुछ और टाइम आपको स्पेंड करना पड़े, लेकिन जैसे मैंने बताया पहले ऑप्शंस को देखें, अगर ऑप्शंस में अनसिंप्लीफाइड आंसर्स दिए गए हैं, इस फॉर्म में आंसर्स दिए गए हैं, तो डायरेक्टली आप मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन करना होगा. सो बेसिकली मॉडल 2 बेस्ड है परम्यूटेशंस के क्वेश्चंस पर ही, बस डिफरेंस यही है कि इस बार मॉडल 2 में हमने देखा था कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सिमिलर हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स से, राइट. तो इनको हमें डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल कंसिडर करके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस रिड्यूस करने होंगे, क्योंकि अगर इन्हें हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करके टोटल अरेंजमेंट्स करें तो मोर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगे, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं होगा. सो ध्यान रहे n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल एंड सो ऑन.